भदोही जिले के प्रमुख व्यापारी केंद्र सुरियाव बाजार के मलेपुर के पास सड़क के बीचों बीच एक जानलेवा गड्ढा हो गया है। भदोही सुरियाव मेन रोड पर सड़क के बीचों बीच गड्ढा होने से हादसे की आशंका बनी हुई है। समय रहते अगर सड़क पर हुए गड्ढे की मरम्मत नहीं कराई गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भदोही दुर्गागंज मेन रोड पर सुरियाव बाजार के मलेपुर के पास सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा हो गया है। भदोही दुर्गागंज मेन रोड पर सुरियाव बाजार के मलेपुर के पास सड़क पर हुए गड्ढे की मरम्मत न होने से यह गड्ढा लगातार जानलेवा होता जा रहा है। विभागीय अधिकारी और सुरियाव नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी इस सड़क पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भदोही बुलेटिन ने इस मामले को ट्विटर के माध्यम से डीएम तक पहुंचा दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि इस गड्ढे की मरम्मत कब तक होती है, या फिर किसी बड़े हादसे के बाद अधिकारियों की नींद टूटेगी और तब जाके सड़क की मरम्मत होगी। भदोही जिले के जिला मुख्यालय ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हरिहरपुर शुकुलपुर गांव में बीते दिनों पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हो गई थी। इस मारपीट में 30 वर्षीय त्रिवेदी शुक्ला की मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या आरोपियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने त्रिवेदी शुक्ला की हत्या के 9 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हरिहरपुर शुकुलपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 30 त्रिवेदी शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल में इलाज के दौरान त्रिवेदी शुक्ला की मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मारपीट करने वाले 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और आरोपियों को जेल भेज दिया था। इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शुकुलपुर हरिहरपुर गांव निवासी हत्या आरोपी सुरेश कुमार शुक्ला, सर्वेश शुक्ला, विकास उर्फ राहुल शुक्ला, विंध्यवासिनी शुक्ला, संतोष शुक्ला, आकाश शुक्ला, जलनी शुक्ला, शैलेंद्र उर्फ सत्यम शुक्ला, सुंदरम उर्फ धर्मेंद्र शुक्ला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के दिशा निर्देश पर भदोही जिले में अपराध करने वाले अपराधियों पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के छनौरा गांव में 28 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया था। मृतक विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में दुर्गागंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दहेज हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दहेज हत्या आरोपी के खिलाफ दुर्गागंज थाने पर आवश्यक लिखा पढ़ी करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, दुर्गागंज पुलिस ने छनौरा गांव में विवाहिता की मौत मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि बीते 7 जून को दुर्गागंज के छनौरा गांव निवासी सलमान अली की पत्नी एहतिशाम बानो का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ बरामद हुआ था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर ज्ञानपुर मोर्चरी हाउस भेज दिया था। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतक विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए दुर्गागंज पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। दुर्गागंज पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। मामले में आज दुर्गागंज पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित मृतक विवाहिता का पति छनौरा गांव निवासी सलमान अली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। महिला अपराध से जुड़े मामले में भदोही पुलिस लगातार त्वरित कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।